नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस जो आज के वीडियो होने वाला है वो कोई पीसी गेम पे ऊपर नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो गाइस आज जो वीडियो होने वाला है वो हमारे इंडिया के फौजी गेम के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आप सभी इंतजार इस गेम का कर रहे हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, बट मैं अब इसके जो भी नए अपडेट्स आएंगे मैं फटाफट से आपको बताते रहूँगा। तो प्लीज़ पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यार देखो, एक बात मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि यार अपना इंडिया का गेम है एंड कुछ इंडियंस अपने ही गेम को यार गलत ठहरा रहे हो, तो भाई ये तो सही नहीं है ना। अब इस गेम के ग्राफिक्स के ऊपर बहुत सारे चर्चा चल रही है कि यार ये ग्राफिक्स कैसा रहेगा, ग्राफिक्स बहुत ख़राब रहेगा। एक बात बताओ, जब पबजी रिलीज़ हुआ था पबजी मोबाइल, तो उसका ग्राफिक्स कैसा? एक HDR ग्राफिक्स आ गया, हाई ग्राफिक्स आ गया। भाई देखो, अगर कोई गेम रिलीज़ होता है तो स्टार्टिंग में यार देखो उसका उसका जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक नॉर्मल वे में होता है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आप पबजी को फौजी से कंपेयर करोगे तो ये तो कहाँ की बात है, ये तो कहीं नहीं बात है। ये 2 महीने में गेम तैयार हो रहा है एंड पबजी को आज करीबन नहीं भी तो मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं, ठीक है। तो यार कंपेयर करो, 2 महीने का गेम, 2 महीने में एक आने वाला गेम और एक 2 साल वाला गेम, आप दोनों में कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फौजी गेम के ग्राफिक्स को लेके अगर आप परेशान हो तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप इन्होंने अपना ट्रेलर रिलीज़ किया था तो इसे आप ग्राफिक्स देख सकते हो। यार मेरे को तो कहीं ऐसा डल ग्राफिक्स या कुछ अटपटा ग्राफिक्स नहीं लग रहा, बट पता नहीं आप लोगों को कैसा ग्राफिक्स लग रहा है कि कब फौजी रिलीज़ हो रहा है एंड क्या हमें कैसा इसमें क्या TDM मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कैसा गेम है एंड कैसा इसका स्टार्टिंग रहेगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, एनकोन ने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल में, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड गार्ड और फौजी लॉन्चिंग इन नवंबर 2020। तो भाई अब ये कोई स्पेसिफाई डेट इन्होंने नहीं बताया, बट यह हैप्पी दशहरा इन्होंने लिख दिया है। बट देखो यार, मेरा ये कहना है कि जब भी एनकोर का कोई अपडेट आता है, इतने भी बड़े बड़े नोटिफिकेशन या अपडेट दिए हैं वो कोई लोकेशन में ही दिए हैं, जैसे कि अभी इन्होंने हैप्पी दशहरा लिखा एंड यहाँ पर नवंबर 2020। तो मेरे ख्याल से दिवाली के एक दिन पहले या दिवाली में ये गेम रिलीज होने वाला है जितना कन्फर्म है, और अगर उस टाइम भी रिलीज़ नहीं होता है तो होपफुली नवंबर के लास्ट तक ये गेम आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो गाइस गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा मत सोचो यार ग्राफिक्स डल रहेगा, ये नहीं। तो अपना इंडिया गेम है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करो। अपना ट्रेलर है, यहाँ पर गलवान घाटी आपको दिख रहा है, तो जो स्टार्टिंग गेम रहेगा वो आपका गलवान घाटी से आई थिंक चालू होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ चाइनीज सोल्जर से आपको मारा पिटाई करना है, मतलब चाइनीज सोल्जर से आपको मारना है एंड यहाँ पर आपके पास कोई भी हथियार वथियार नहीं, आपको हाथ से डिशुम डिशुम करना है। तो यहाँ पर अगर आप मैच जीत जाते हो तो यहाँ पर आप जैसे कि ट्रेलर में देख ही सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा, एंड अगर आप मैच हार जाते हो तो फिर से आपको गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वेल गाइस, बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि फौजी गेम कब रिलीज़ हो रहा है एंड ग्राफिक्स कैसा होने वाला है। तो भाई प्लीज़ ग्राफिक्स किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत करो, अभी आने दो, उसके बाद आप बोलना, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था, आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ एक और फौजी गेम के इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।